कोई बात नहीं, सीक्रेट रूम तो दोनों शेयर करो ना। तो देखो सबसे पहले मुस्तफा अपना ये वॉलेट रख रहे हैं। बेडशीट हटानी और फर्नीचर अभी आने वाला, जैसे हम उठे हैं बहुत प्यारा लग रहा है ये, इस बेडशीट से तो बिल्कुल मैचिंग में जा रहा है। मुस्तफा का रूम तो बल्ले बल्ले हो गया भाई। ना फिर देख बेड कौन सी साइड लगाओगे? इधर सामने, यहाँ सामने बेड लगाना है। चलो मैं झाड़ू ले आई हूँ और जैसे हम सुबह उठे हैं, बस नाश्ता ही किए, फैन बंद कर लो, पहुँचने वाली है। बस जल्दी ये बिस्तर हटाने और मैं यहाँ से जल्दी से झाड़ू लगा दूँ। इतनी बड़ी अलमारी उठा ली मुझे, इतनी बड़ी ड्रेस उठा ली मुझे। तो देखो तैयबायत का दोनों का रूम हो गया साफ, ये वाला भी क्लीन हो गया, ये तो कल से ही साफ सुथरा हुआ हुआ है। और दोनों को एक साथ देखो तो कितना अच्छा लगता है ना, ब्लू और पिंक। ये जाएगा ब्लू वाला जो पर्दा है, ये जाएगा मुस्तफा के रूम में और ये पर्पल वाला लगेगा अब इस रूम में। एंड में रह गए थे इनके पर्दे चेंज करना, ये हमने किए ही नहीं थे। बाकी इसके अलावा जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पर भी पर्दे लगने हैं। यहाँ पे मैंने शिफॉन के पर्दे लगाने हैं जो अभी डाई हो रहे हैं। अभी पीछे जो है ना विंडो साइड पर ये लगा दो। इब्राहिम की तबीयत ठीक थी? ठीक है, ठीक है। रात को सोता है? तंग तो नहीं करता? नहीं। जैसे रात को रोता है? सही है। सही है। आ गया इतका? ऐ तबका फर्नीचर आ गया, यही है ये वैन आई तो ये पता नहीं फर्नीचर वाले आए तो भाग के नीचे कैसे गई ये बताने के लिए। भाग के आई है कि मेरा फर्नीचर आ गया बताने के? मुझे पता नहीं चल रहा क्या बोल रही है। उसे बोलना नहीं आ रहा, फर्नीचर ऊपर विंडो से देखा है, अंदर अभी आ जाएगा। बस ले आए तकरीबन थोड़ा सा ही रह गया, जब तक फर्नीचर सेट होते हैं। अभी तो मैं ऊपर देख कर आई हूँ, एक डेढ़ घंटा अभी भी उनको और मजीद लगेगा, इस पर अच्छा खासा टाइम लगता है फिटिंग में। अच्छा हमारे घर पे बना है भिंडी का सालन, तो ये जा रहा है कौसर के घर के लिए। मैं निकाल के दे रही हूँ, डब्बा नीचे रख दो गर्म लगेगा। कौसर है, कौसर की अम्मी है, आपका भी साथ में। उधर ही खाओगे? उधर ही खाओगे? चलो ये सालन हो गया इनका, नीचे से गरम है। ख्याल से रोटी तो वहाँ बना लेंगे, रोटी तो बनी होगी। चलो ये रोटियाँ हमारे घर की बन रही है। चाहिए होगा तो मैं फोन कर दूंगी, अभी फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। मार्केट से सामान भी लेना है, मुन्ने का दूध भी। चाहिए होगा तो मैं फोन कर दूंगी, मैसेज कर। मैट्रेस लेने हैं, वो मार्केट से ले आओगे? मैं आ रहा हूं अभी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, खैर खैरियत से। नहा धो के फ्रेश हुई हूँ। टाइम बाद देखो आज मैं अपनी बालकनी में आई और फाइनली आज बच्चों का फर्नीचर भी आ गया। बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे ना अपने फर्नीचर को लेके कि कब आएगा कब आएगा। शुक्र है आज आ गया, लेकिन अभी देखो दो घंटे हो गए अभी तक फिटिंग हो रही है। और मैं आपको बताऊँ कि इनका ना जैसे छोटे छोटे पेच भी थे ना, वो भी पैकिंग में था। हर एक चीज़ इनकी पैकिंग में थी, तो उसको खोल के उनको हर एक चीज़ फिट करने में भी इतना सारा टाइम लगता है। और एक ही बंदा जो फिटिंग कर रहा है, आयत तो अपने रूम से निकल ही नहीं रही जब से वो अंकल को देखे जा रही है, कब फिटिंग होगा कब होगा, अभी सेट हो गया अभी मैं बैठ सकती हूँ, तो मना कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर लेटी हुई है। लगता है देख देख के इसको नींद आ जाएगी, जितना ज़्यादा खुश है। काफ़ी टाइम हो गया मैं अपनी बालकनी में आ ही नहीं रही थी। क्या हुआ ये? क्यों तंग कर रहे हैं मेरे बच्चे को? आपका रूम सेट हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी तक जो है ना इस रूम की फिटिंग हो रही है, पता नहीं और कितना टाइम लगता है। ये जैसे इनकी ये सारी छोटी छोटी चीजें थी ना, ये सारी पैक थी, ये सारी पैक है और ये सारा फिटिंग होने वाला है। और इस साइड पे भी ये देखो सारा पड़ा हुआ है, सारा फिटिंग होने वाला है। और इस साइड पर चलो तो ये रहा हमारे मुस्तफ़ा का बेड, अभी ये पूरा सेट होगा, इसका मैट्रेस अभी आएगा। और मुस्तफ़ा अभी बाहर खेलने के लिए गया हुआ, आएगा तो अपना बेड खुद ही देखेगा। और ये बैठी है ये यहाँ पर बिस्तरों पर इंतजार कर रही है, इसका थोड़ा दिमाग घुमा हुआ है, किसी की नहीं बात सुन रही। आज आप अपना तो देखो मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि कैसा लग रहा है, तो देखते हैं। चलो 3 2 1 गो। बहुत अच्छा है मुस्तफा, बहुत अच्छा है। अच्छा है, आपको पसंद आया? बहुत पसंद आया। ये रहा हमारे मुस्तफा का बेड, वाह मुस्तफा प्यारा है।
बहुत प्यारा है। और साइड पे इसके ना ये ड्रॉज भी हैं जो ये खोल रहा है छोटा सा है, प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। आपको अच्छा लगा? जी बहुत प्यारा। मैट्रेस का है? मैट्रेस अभी आना है ना, मैट्रेस नहीं आया अभी, वो पापा वहाँ पर गए हैं, अभी आएंगे वापसी। और मुझे मुस्तफ़ा का ये बेड इतना पसंद आया, ये इतना इजीली ना, ये साफ भी बहुत अच्छा होगा, जल्दी से साफ भी हो जाएगा, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। छोटी छोटी सी इसकी ये ड्रॉ है, और नीचे जो है ना, नीचे ये देखो, ये है स्टोरेज के लिए, मुस्तफ़ा यहाँ पर अपनी चीज़ें भी रख सकता है, अपना ये वॉलेट रख रहे हैं पापा भी ऐसे ही रखते हैं। वाह, वॉलेट में है कितना पैसे तो देखने दो। पैसे अभी अभी के। क्या सारी मेडिसिन रखना आपने शुरू कर दिया है? तो ये आपका रूम नहीं है, अपनी सारी तो भाईजन के रूम में दवाइयाँ रख रही हो? अच्छा, दवाइयाँ जो है वो भाईजन के रूम में आएंगी, और इनके रूम में सारी सजावट की चीजें आएंगी, खिलौने आएंगे। हाँ, क्या डालोगी? ये देखो, ये देखो, ये सारी दवाइयाँ इसने जमा की हुई। नीचे देख के लगता है पापा आ गए, बोलो उनको मैट्रेस का। वेलकम बैक इब्राहिम, दोनों ठीक थे? सब ठीक है, ठीक है, तबीयत ठीक है उसकी? हाँ, मौसम अच्छा बना हुआ है, जबरदस्त। अच्छा, हवा एंजॉय कर रहे हैं, इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा। हाँ, वो तो घर भी उनका हुआ ना खुली जगह पर, सारे उड़ पूरे रूम में, टीवी लॉन्च में ऐसे घूम रहे हैं। बेड सेट हो गया, अभी मैट्रेस के बगैर तो ये बिल्कुल अधूरा अधूरा लग रहा है। इसके नीचे टांगे कैसे प्यार लग रहे हैं। आपके लिए जूस लेकर आए? पानी तो नहीं है? नहीं नहीं, जूस लाए, एक आपके लिए आयत के लिए भी लेकर आया था। इधर दोनों बेटियां कह रही हमारा रूम देखो, अभी सेट हो रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन जाए ना तो फिर दिखाऊंगी मैं। आपका रूम ज्यादा अच्छा है? ये चाय, मेरा मग देखो इतना बड़ा भर के लाए, और बाकी उधर भी दे देना ना अंदर। कौन है नीचे सब्सक्राइबर? आपने क्या बनाया? क्या करने जा? कल संडे है तो दोस्त ने बुलाया, फिर तो बोल रही थी पूरी पार्टी है, इसलिए मुझे स्विमिंग ड्रेस चाहिए। स्विमिंग पूल में जाने के लिए आप कहाँ स्विमिंग कर सकोगी? स्विमिंग कर सकती हूँ जो आपको, स्विमिंग पूल तो बहुत गहरे होते हैं। कॉस्ट्यूम चाहिए, स्विमिंग वाला ड्रेस कहाँ से मिलता है ये मुझे बता दो, मिलते किस तरह की, किस तरह का होता है? मतलब शर्ट और पजामे की तरह ही होते हैं। आज तो मेरे घर में जैसे बच्चों की ईद है ना, उनकी पसंद का बेड आ गया है, आए तो उस आए अभी तक उस रूम में, कुछ सब्सक्राइबर आए थे उनसे मिली हूँ, और मैट्रेस लेना है, फिर बस टाइम पूरा पूरा होता है, फिर मेरे हस्बैंड को दूसरे घर पे भी जाना है, तो ये जितना देर यहाँ पर आती है ना, जो भी मेरे बाहर के काम होते हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। और इस पे देखो ना, पहले फूल नहीं खिलते थे, इतना टाइम हो गया मैं नहीं आई इस पे, तो एक साथ काफ़ी सारे फूल निकल के आ गए हैं। तो हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, ये रोज़ तब से पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन इसमें ना फूल कभी भी नहीं निकले, अभी निकलना शुरू हुए हैं, और इतना प्यारे कलर के फ्लावर निकल रहे हैं ना इसमें। मुझे तो ना इनकी टेंशन है, अपने ये जो हमारे आड़ू हैं ना इनकी, के पता नहीं कभी भी गिर सकते हैं, इतना वजनी होते जा रहे हैं। खोलो गाड़ी, मैं ड्राइव कर रही हूँ। मैं सोच रही पहले हम चलते हैं अपना वो प्लांट देखते हैं। चलो, काफी टाइम गए नहीं है क्योंकि मौसम अच्छा है, और देखें जरा वो प्लांट जो हमने लगाए थे कहाँ तक पहुँचे। सीधा जाना, फाइनली हम पहुँच गए। कपड़े क्या हमारे प्लांट पर कब्जा तो नहीं हो गया? ये क्या सामने सामने घर बन रहा है, ये क्या हो रहा है? घर बन रहा है, बस यही पर सामने वाला प्लांट बन रहा है ना, उसका सामान इधर रख रहे हैं। अच्छा, ये सामने जो घर बन रहा है तो उसके लिए हमारा ये प्लाट इस्तेमाल किया जा रहा है, कि यहाँ पर अपना बिजली सीमेंट वगैरह सब कुछ रख रहे हैं। तो एकदम से ना हो गई, मैंने कहा ये क्या, यहाँ पर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर तो हमने अपनी ईंटें लगानी है। सारा बिजली और सीमेंट वाला प्लाट किया, ये हमारे रहे प्लांट। वो लेमन है, और ये मेरे ख्याल से खुबानी है, सब कुछ मिला। घर इतना प्यारा बना हुआ है, यहाँ पर हमारा भी बनेगा इंशाल्लाह। आज ना ऐसे एक दो दिन से ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं जाऊँ अपना प्लांट देखूँ, वहाँ पे ये सारे प्लांट हमने लगाए थे, जाकर देखूँ। तो ये हम आज देखने आए हैं, तो यहाँ पर ये सारा काम हो रहा है, ये सामने प्लाट बन रहा है, तो उस वजह से इन्होंने ना ये लिया। अब कल को जब हम अपना घर बनवाएंगे ना, तो जैसे ईंटें बिजली सीमेंट ये सब रखने के लिए ना, फिर वो करेंगे, हमें भी ये बाकी प्लाट वाले जगह देंगे, तो वहाँ पर हम अपनी चीज़ ये सारा कुछ रख के ना बनवा सकते। बहुत सारे आप सबके सवाल होंगे कब घर शुरू कराओगी, हमेशा यही बोलती हो कि घर बन रहा है, घर बनेगा, बनवाएंगे।
तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अपने बिजनेस की वजह से थोड़ा सा ना रुकी हुई हूँ अपने बिजनेस को लेके, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा सीरियस हूँ कि एक वो भी अपना बिजनेस का जो एक अपना कारोबार होता है वो भी शुरू हो जाए, तो फिर इस पे जो है ना आराम से मैं खर्च करती रहूँगी। तो देखो यहाँ से ना ये रोड कितना प्यारा लगता है, पूरा ना यहाँ पर हर प्लाट के सामने ना ऐसे बड़े बड़े से ट्री लगे हुए हैं। अभी तक अपना घर ना शुरू कराने की वजह मेरा बिजनेस है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा नहीं खैर बहुत सारा है। मैं खुद भी मतलब मेरा खुद का भी बहुत ज़्यादा दिल है कि हम हमारा घर बना हुआ हो, सारा कुछ मतलब एक सेट हुआ हुआ हो और मेरे बच्चे हम सब उसी में ही अपनी एक लाइफ शुरू करें, तो हर औरत का ख्वाब होता है। अभी खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब ठीक है, लेकिन जैसे किचन छोटा पड़ता है, कभी घर में जगह कम पड़ती है, तो इस वजह से फिर मैं रुक जाती हूँ कि अच्छा अपना बन जाएगा। तो वो चीज़ें ज़रूरत तो हैं, नए घर बड़े घर ड्रीम हाउस की ज़रूरत तो है, मतलब एक ख्वाहिश होती है कि हम अपने ड्रीम हाउस में अभी से मतलब हमारे बच्चों का जब बचपन है वो उसमें गुजरे और हमारी थोड़ी बहुत जो जवानी बची हुई है वो गुजरे, वरना फिर बुढ़ापे में ड्रीम हाउस में बैठेंगे। तो वो सारा फिर एक चीज़ें जो होती है ना एक एज के लिहाज से टाइम के हिसाब से ही फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है फिर वो इतना चीज़ों की ना ख्वाहिश नहीं होती कि जिस एज में जिस चीज़ का शौक होता है ना वो शौक उसी एज में ही पूरा बंदा कर ले, फिर बाद में जब शौक पूरे करने के लिए हर एक चीज़ का रास्ता साफ हो जाता है तब उम्र निकल जाती है और तब अच्छा भी नहीं लगता इतना। तो बस दुआ कीजिएगा आप सब, इंशाल्लाह जल्दी मैं शुरू कराऊंगी अपना घर। चलो अभी हम मार्केट पहुंच गए और देखो सही जगह पर आकर पार्किंग लगाई है, बिल्कुल गाड़ियों के बीच में, इस साइड पे भी गाड़ी है और इस साइड पे भी गाड़ी। हम यहाँ पर आकर पहुँचे, मैट्रेस के दोनों के साइज मिल गया, मुस्तफ़ा का साइज़ नहीं मिला था, इबायत के रूम का मिल गया दोनों के बेड का। मुस्तफ़ा के बेड का साइज थोड़ा बड़ा है तो वो कल मिलेगा मैट्रेस, या दो का क्योंकि बस दो है ना मैट्रेस, तीसरे का बनवा लो कल तक मिल जाएगा ना, कल मिल जाएगा। ना था बच्चों के लिए मैट्रेस, आ गए तैयबा आयत के मिले, मुस्तफ़ा का कल मिलेगा। तो चलो फाइनली हम पहुंच गए घर और अब बस मैं जा रहा हूँ, रमजान को बोलो ये उतारे सामान। मुस्तफ़ा सरप्राइज, आपको ये पसंद है ना, आज मुझे जैसे दिखा मम आपके लिए ले आइए। थैंक यू, आप कब से बोल रहे थे ना मामा मुझे ऐसा चाहिए। मम्मा की रानी मेरी शहजादी, अपना बेड देखा, मैट्रेस भी आ गया इस साइड पर, बाकी रमजान कहाँ तक पहुँचा। अच्छा अम्मी के रूम का भी कलर, चलो शुक्र है हो गया, पूरा हो गया, आ जाएगा मुस्तफ़ा। ये आपके भाईजन के रूम का है, ऊपर ले चलो रूम में रखो, आराम से ध्यान से लेकर कोने में, उस कोने या इस कोने में रख दो, उसी कोने में, फिर ये बस और भी थोड़ा सा उधर करके, ऐसे वहाँ पे ना ऐसा लगा हुआ था, ठहरो ताकि आप इसमें कुछ रखो ना तब अच्छा भी लगेगा, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा अच्छा लगेगा। अभी ये कुछ सामान जो आपका कल आएगा, मैट्रेस भी आपका कल आएगा, लैडर मुझे इतनी ज्यादा मुस्तफ़ा के लिए अच्छी लगी, मुस्तफ़ा को ऐसा मतलब कब से बोल रहा था कि मामा मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिसमें मैं अपनी गाड़ियां और अपनी चीजें सजा के रख सकूं। आयत को देखो अपना मैट्रेस देखो लेकर आ रही, मैट्रेस देखो जोर लगा के है, टाइम आ गया बच्चों का बेड दिखाने का, तो ये रहा तैयबा आयत का प्यारा सा बेड, वाह तो ये देखो ये रहा इनका बेड, अच्छा है मुस्तफ़ा, या फिर मैं भी जा सकती हूँ क्या ऊपर, मैं नहीं जा सकती, नहीं हाँ क्या हो गया, अपने वजन को देखो बच्चों के वजन को, यहाँ पे तो मैं खड़ी हो सकती हूँ ना, हाँ हाँ है इसमें, ये एक इसका सीक्रेट रूम भी है, जा सकते हो इतना सा है क्या, वाह इसमें तो कोई लाइट वाइट भी लगा देना, देखो ये हमारा साइज का है, वाह इसमें तो आई पूरी आ गई, ये हमारा टॉय है, सकते हैं सीक्रेट रूम है इनका, इसके अंदर हम अपने खिलौने भी रख सकते हैं। तो चलो आयत का फाइनली ऊपर मैट्रेस लगने वाला है, आयत से पहले पहुंच गया, आवाज है किसी इसकी मौजूदगी ऊपर बना हुआ, मैंने ना आपका कह दे दो बंद हो गया, इतनी इसकी आवाजें आई हैं, मैं ऐसी डर रही हूँ, मैंने कहा घर में किस चीज की आवाजें थी, और ये कितने दिन से लापता है, ये पता नहीं थर्सडे से नहीं वेडनेसडे से लापता हुआ है, अभी चौथा दिन है ये लापता हो रखा था, मिल ही नहीं रहा था, मैं मम्मा गई 2 घंटे पहले, मम्मा के मोबाइल में फाइंड माई लगा हुआ था, आपका फाइंड माई होता है आईफोन के अंदर, जिससे आपका दूसरा आईफोन प्रोडक्ट जो होता है ना वो कनेक्टेड होता है, तो ये मैक कनेक्टेड था, मैंने प्ले साउंड जब आया वो नेटवर्क क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो तब नहीं, अभी 2 घंटे बाद जाकर कनेक्ट हुआ, तो अभी मैंने कहा पता नहीं कहीं बॉम्ब लगा हुआ है क्या, टून 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 बजना शुरू हुआ है,
तो ये आपके पापा ने छुपा के रखा हुआ था, आपके टुन टुन की वजह से मिल गया। ये तो बताओ और कौन सा बेड किसका है? हो गया आयत को ऊपर वाला। आपके साथ तो फिर सीक्रेट रूम भी है, पर इनके ऐसे स्टेयर्स बनी हुई है, तो इसमें भी देखो कि अपनी ये चीजें रख सकती है। ये देखो पीछे ये है, और इसमें भी अपना ये सामान स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखो, तो ये इस तरीके का इनका बेड हो गया। बाकी ये हो गए इनकी स्टडी टेबल। इनके साथ अभी चेयर हमने ली नहीं है, ये वैसे लेने का मेरा इरादा नहीं था। देखा कि मुस्तफा का सेट होगा तो फिर ये दोनों रोएंगी, और इनके लिए फिर मुझे ये प्यारा लग रहा था तो मैंने ले लिया। और इसमें ना कलर सिर्फ दो ही अवेलेबल थे, एक था ग्रीन और एक था येलो, बस सिर्फ दो ही पड़े थे। और फिर मुझे ये था कि ग्रीन इनको पसंद नहीं आएगा कि हमारा ग्रीन क्यों ले लिया, एक ही ऑप्शन था कि येलो ही ले लेते हैं। कोई बात नहीं, सीक्रेट रूम तो दोनों शेयर करो ना, स्टडी टेबल आपकी है। और हम जैसे ही ना ये मैट्रेस सेट कर रहे थे ना, लगा रहे थे मैट्रेस, तो ऐसे एकदम से ना आवाज आना शुरू हुई, पिप 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 मुसलसल। मैं इधर देख रही थी, मैंने कहा कहाँ से, वॉशरूम से है, कहाँ से है। और एकदम वो मूवीज वाला ख्याल आ गया, जैसे मूवीज में होता है ना कि ना कहीं पर बॉम्ब सेट हुआ होता है तो टिक 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 टिक। मैंने कहा मैं घर पे नहीं थी, पता नहीं कुछ पीछे किसी ने कुछ किया है क्या। एकदम ना डर के भी अलमारी वॉशरूम इधर उधर चेक करने लगे कि आवाजें यहाँ से आ रही है। चले गए, अभी जा रहे बच्चों, उनसे खाना नहीं खा रहे। पूछ रही थी खाना नहीं खा रहे आप? नहीं खा रहे। चाय भी नहीं पी रहे? मुझे अंदर से वो कुंडी लगाना पूरा सही से करना। लो नीचे से बंद किए जी। यारी चेयर लाइए ना, वो भी कल आएगी, वो आप देखना ना। चेयर लाइए बोल उनको, वो जगह नहीं थी ना गाड़ी में रखने की, पैसे उनको दे दिए, पेमेंट हो गई है, कल आएगी। अल्लाह, चलो मैं तो खाना खाने लगी हूँ। कौन कौन आ रहा है? बच्चों ने खाए? आपने खाना खाया मुस्तफा? लेकर आइए मेरे लिए गर्मा गर्म चाय। मेरे हस्बैंड तो अभी चले गए, बस मैं ही अपना अकेला मग लेकर बैठी हूँ चाय के लिए। और आयत जो है ना ऊपर से नीचे आ भी नहीं, ऊपर ही बैठी हुई है, पक्का पक्का शिफ्ट हो गई है। तो मुझे इतना पसंद है, इतना मजा है, थोड़ी देर यहाँ पर मैं लेटी हूँ, इतना अच्छा लगा, कंफर्टेबल है। नोबित अंदर सीक्रेट रूम में आपका बटरफ्लाई। हाँ यहाँ पर स्पीकर लगेंगे, बटरफ्लाई वाले अच्छे लगेंगे ऊपर। और बच्चों का रूम भी मैंने ये वाला यहाँ पे इस वजह से सेट किया कि मुझे पता है तैयब आयत मेरे बगैर रह नहीं सकती, ये अलग सोएंगी नहीं, और अगर मैं इनके साथ सोती हूँ ना तो ये मुझे बर्दाश्त करती हैं। मुस्तफा अब नहीं करता किसी को भी बर्दाश्त, वो कहते हैं बस मुझे अकेला रूम चाहिए। मैं वहाँ पर होती हूँ तो फिर तैयब आयत भी वहीं पर, फिर इनके पापा भी वहीं पर, फिर सारे फिर वहीं पर, तो उसको वो होता है कि मुझे अलग रूम चाहिए, तो इस वजह से हमने उसको एक साइड पर ही दूसरा रूम खाली करके दिया। तैयब आपकी तो ये विंडो भी है, इस साइड पर भी है, देखो इस साइड पर भी एक छोटा सा रूम है, सीक्रेट रूम है, और देखो इस साइड पर भी ये विंडो बनी है, यहाँ से कमरा ही घर लगे। हाँ, मजा आ रहा है, कल ये इसमें अपनी चीजें वीजे सेट करेंगी, काफी ज्यादा इसमें स्टोरेज भी है, और मुस्तफा का रूम तो बहुत प्यारा लग रहा है। रूम में सोना है आपको, ठीक है, उस रूम में आकर। और बाकी मेरे ये बच्चे तो बहुत ज्यादा आज खुश है, तैयबा तो पहले ही सो गई तैयबा के ऊपर अपना मोबाइल लेके। चलो आयत अभी सोने का टाइम है। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। आज इतना यहाँ पर लेट के सुकून मिल रहा है, सामने बच्चे इनको देखती रहती हूँ और मुझे इधर ही नींद आ जाती है। आज तो दोनों अपने बेड पे सो रही है, आयत तो फिलहाल तो अभी वहाँ सो रही है, तो बेड नए बेड की खुशी है तो ऊपर गई हुई है, और पता नहीं देखो कितना घंटे सोती है फिर वापस मेरे पास आ जाएगी। तैयबा को खैर जगह मिल जाए तो ये सो जाती, इसकी आदत बन गई है अभी भी, इसकी अभी नहीं बनी, अभी छोटी भी है ना। तो इसी के साथ ना व्लॉग एंड करती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो आज सोते सोते बाय बाय करती हूँ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।